नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ कृतिका। यूं तो सभी सरकारें मजदूरों की मदद को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। मामला पंजाब के जिला गुरदासपुर का है, जहां लॉकडाउन के चलते गुरदासपुर में फंसे 100 के करीब प्रवासी मजदूरों ने मजदूर जत्थेबंदियों की मदद से डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया। मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी उन्हें राज्य में नहीं भेजा जा रहा है और ना ही प्रशासन द्वारा उन्हें खाने को कुछ दिया जा रहा है। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि उन्हें जल्द अपने राज्य छत्तीसगढ़ भेजा जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। यहाँ पे सर हमको खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है और घर जाना चाहते हैं, कोई ट्रेन की सुविधा नहीं दे जा रहा है। और जहाँ पे हम लोग ठहरे थे सीरहिंद गोविंदपुर चीमा कोई भट्टे में, वहाँ से हमको फ़ोन कर बुलाया है सर। और सुखा तालाब में हम कल से आए हैं, शासन को हमको कोई खाने पीने की सुविधा नहीं दे रहा है, न कोई जाकर हमें पूछ भी नहीं रहा है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या चाहिए आपको। किसी चीज़ की हमें कोई सुविधा दी नहीं जा रहा सर। तो हम सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमको छत्तीसगढ़ भेजा जाए और खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। कितने लोग हैं, बच्चे कितने सारे हैं? बच्चे सभी बंदे कर हम 40 हैं टोटल। बच्चे हैं 10-12। अभी तो हम लोग बैठे हैं सूखा तालाब में, तो बुलाया गया है। हाँ, हमको घर जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है। बच्चे उच्चे छोड़ कर आए हैं, फिर खाना पीना भी नहीं मिलता है हमको। हमको बस घर जाना है। हम कल से आए हैं, खाना पीना भी नहीं पा रहे हैं, भूखा प्यासा है, घाम धूप में, और बच्चे भी गए। हमको घर जाना है, बच्चों घर पे है, फिर यहाँ फिर भी है।